वैका एक टूल है जिसकी मदद मतलब से हम डिफरेंट क्लासीफायर्स को क्लस्टर्स को प्रिडिक्ट करके देखते हैं अपने डेटा पे ट्रेन करके और फिर वैल्यूज़ देखते हैं अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो इसने रिज़ल्ट जनरेट किए हैं उन्हें विजुलाइज़ कैसे किया जाए देखा कैसे जाए उन्हें अंडरस्टैंड कैसे किया जाए उसके लिए जो वैका लाइब्रेरी हमें हेल्प देती है दैट इज़ कॉल्ड विजुलाइजेशन अब विजुलाइजेशन में हमारे पास क्या है कि हम जो क्लासीफायर्स हैं उनको कहाँ पर हम सेलेक्ट करें जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया डाटा को और इसके बाद इवेलुएट करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आया और उसके बाद अब हमने क्या किया हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया यहाँ पर ये यह जो विंडो थी यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया जब हमने इसे राइट क्लिक किया तो अब हमारे पास मुख्त ऑप्शन हैं जिनमें से एक ये विजुलाइज ट्री की एग्जाम्पल आल दो विजुलाइज मार्जिनल करव विजुलाइज थ्रेश आउट कर्व कॉस्ट कर वो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन फॉर द टाइमिंग हमने सिर्फ विजुलाइज कर्व को सेलेक्ट किया जब हमने ट्री को सेलेक्ट किया तो हमारे पास कुछ ट्री इस तरह का बन गया अब ये जो ट्री है ये क्या बता रहा है कि आपके पास जो पेटल विथ है आयरस सेटोजा है पेटल लेंथ है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन इनको ट्री की फॉर्म में हम किस तरह जनरेट करें अब मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। ऑफ कोर्स क्योंकि ये चीज़ें बेल्ट हैं आप इजिली इनको कंपेयर करके देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर यही चीज़ें हम ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर के लिए करें और मैंने इससे जो दो या तीन मॉड्यूल पहले आपको एक एग्जाम्पल दी थी जिसमें आर एफ एफ फाइल बनाई थी और उसके अगेंस्ट ट्री मौजूद था जो एक एक्सपर्ट ने बनाया था या जो हमने रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ रूल्स बनाया था क्या आप उसे कंपेयर कर सकते हैं इस ट्री से दोबारा मेरा क्वेश्चन समझें कि आपके पास ऑल एक्ट्रॉनिक्स का एक डाटा बेस है जिसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई है एट्रीब्यूट्स की और उनकी वैल्यूज़ उनकी मदद से आपने आर एफ एफ फाइल बनाई वैकअप उसे रन किया जे फोटी एट ट्री अलगदम लगाया और फिर उनका एक ट्री बनाया अब आप क्या कर रहे हो कि यही ट्री आपने जो हैंड लेवल ट्री था जो आपके पास स्लाइड्स में भी मौजूद है बुक में भी मौजूद है उन दोनों को बनाया और उन्हें कंपेयर करना और आपने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्री एक जैसे बनते हैं इफ़ दे आर ओके तो इसका मतलब यह है कि वैका सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक ह्यूमन एक्सपर्ट काम करता है अगर नहीं तो इसका मतलब है कि वैका जो है वो एक फेल्ड सॉफ्टवेयर बनता है और यही चीज दोबारा हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में भी बताई हुई है तो इसको प्रेडिकट करने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिर हमने देखना है कि ट्री को विजुलाइज़ कैसे करें इन द मीन टाइम जब मैंने यहाँ पे अभी विजुलाइजेशन को क्लिक किया था तो हमारे पास और भी काफ़ी सारी ऑप्शन आई थी आपने अपने लेयर टाइम में उन ऑप्शनस को भी देखना है कि विजुलाइज़ कॉस्ट क्या होती है और इसी तरह विजुलाइज़ के जो मुख्तिस और मयस मौजूद हैं उन सबको आपने चला अपने लइर टाइम में चेक करना है